हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के अंग्रेजी के लेसन 2 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द स्विंग। स्विंग का मतलब होता है बच्चों झूला, जो हम बरसातों के दिनों में सावन के महीने में अक्सर झूला करते हैं। इस बच्चे को आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये बच्चा झूला झूल रहा है। अधिकतर बच्चे बड़े आनंदित होते हैं, बड़े खुश होते हैं झूला झूलते में। जैसे जैसे वो ऊपर की साइड जाते हैं, नीचे की साइड जाते हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में इस पार्ट में दिया गया है। तो समझ लेते हैं बच्चों इस पार्ट को, जिससे पार्ट अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर भी हम आसानी से कर पाएंगे बच्चों। तो पढ़ने का यही तरीका है कि सबसे पहले हमें पार्ट को समझना है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट को देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिखा है हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। तो जो पोएट है बच्चों, जो कवि है, वो बोल रहा है कि आपको कैसा लगता है जब आप झूले पर ऊपर की साइड जाते हैं। जैसे ये बच्चा है, यहाँ से ऊपर की साइड जा रहा है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है बच्चों जब ऊपर की साइड जाते हैं, और तब नीचे की साइड आते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, ठीक है। तो अगली लाइन देख लेते हैं, अप इन द एयर सो ब्लू, और आकाश की तरफ, जो हवा में आकाश की तरफ जाते हैं तब कैसा लगता है, ठीक है। तो आकाश की तरफ जाते हैं थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है, ठीक। तो अगली लाइन देख लेते हैं बच्चों इसकी क्या है, ओ आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर ए चाइल्ड कैन डू। अब जो पोएट है यानी कवि है, वो बोल रहा है ओ आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आनंददायक काम है, ठीक है। ओ आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंटिंग थिंग एवर ए चाइल्ड कैन डू, जो सभी बच्चों के बचपन में जो बच्चे कर सकते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा ये झूला झूलना आनंददायक काम है, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं इस बच्चों, अब इस पोएम की नेक्स्ट लाइन्स देख लेते हैं हम। उसमें जो हमारा पोएट है वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, ठीक, हवा में ऊपर की ओर और दीवारों के ऊपर तक। जब हम झूलते हैं तो हम हवा में ऊपर की तरफ जाते हैं, और जो हमारे मकानों की दीवारें होती हैं बच्चों, उससे ऊपर निकल जाते हैं, ठीक। तो उस समय हमें थोड़ा सा डर जरूर लगता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है झूला झूलते समय, ठीक। अब देखते हैं, टिल आई कैन सी सो वाइड, तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा देख सकता हूँ। हम नीचे खड़े होते हैं कहीं पर, देखते हैं तो हमें बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि अगल बगल पेड़ आ जाते हैं, मकान आ जाते हैं, तो बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन कहीं हम ऊपर की साइड खड़े हो जाते हैं तो हमें बहुत सारा दिखाई देता है। तो इसी जो बच्चा है वो बोल रहा है टिल आई कैन सी सो वाइड, अब मैं बहुत सारी जगह देख सकता हूँ। अब वो बोल रहा है जैसे रिवर्स का मीन्स होता है नदियाँ, एंड ट्रीज मीन्स पेड़, एंड कैटल बोलते हैं बच्चों मवेशियों को, जो दुधारू जानवर होते हैं उन्हें कैटल बोलते हैं, जैसे भैंसें, ठीक है, बकरियां और गाय, इन्हें कैटल बोलते हैं, ठीक। एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, और सभी ग्रामीण इलाके को, ये कंट्री साइड का मीन्स है बच्चों ग्रामीण इलाका, गांव का जो इलाका होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कंट्री साइड। अब वो ऊपर की साइड चला गया है, तो वहाँ से वो क्या है, नदियों को, पेड़ों को और जानवरों को और ग्रामीण क्षेत्र को देख सकता है। ये देखिए, ये बच्चा ये ऊपर की साइड गया, तो यहाँ से ट्रीज, कैटल्स और ये ग्रामीण इलाकों को, इस सब को देख सकता है। अब चलते हैं अगली लाइन की ओर बच्चों। अब जो इस पोएम की अगली लाइनें हैं वो हैं टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, जब मैं नीचे की तरफ देखता हूँ तो मुझे हरा भरा बागीचा दिखाई देता है, ठीक। और इसके बाद है डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और जो मकानों की छतें हैं, रूफ बोलते हैं बच्चों मकान की छत को, जो मकानों की छतें हैं वो ब्राउन कलर की नज़र आती है। ब्राउन कलर की किस लिए, क्योंकि जो गांव के जो मकान होते हैं वो झोंपड़ियों के बने होते हैं, उस पर घास फूस लगी होती है जो कि ब्राउन कलर की होती है, इसलिए वो ब्राउन कलर की नज़र आती है। अगली लाइन है बच्चों, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और मैं हवा में फिर जाऊंगा,
मैं हवा में क्यों फिर जाऊंगा, फिर क्यों जाऊंगा, क्योंकि मुझे हवा में बहुत अच्छा लग रहा है, झूला झूलना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फिर दोबारा हवा में जाऊंगा। और झूले में भी हम देखते हैं, एक बारी नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं। ठीक, अब अगली लाइन है बच्चों, अप इन द एयर एंड डाउन, और मैं हवा में ऊपर और नीचे आता जाता रहूँगा, क्योंकि उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है झूला झूलना। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये पोयम हमारी कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये पोयम, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक, तो अगर हम ये पार्ट को एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों, तो हमें जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत आसानी से समझ में आते हैं और आसानी से याद हो जाते हैं, इसीलिए एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। ठीक, तो ये जो पोयम लिखी गई थी बच्चों, वो लिखी गई थी रॉबर्ट लुइस स्टीवेसन, इनके द्वारा लिखी गई थी। तो आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में बच्चों।